everyone, welcome and welcome back to my channel Pretty You and here I am Dolly. So guys, मेरे पास में आज ये जर्स्ट हर्ब्स की कुछ मिनी लिपस्टिक्स हैं जो मैंने अपने लिए ऑर्डर करी होंगे. सो इन्हीं का रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी. सो गाइज, बिफोर मूविंग ऑन टू माई वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड माई फेस इज न्यू टू यू, सो गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बाय प्रेसिंग अ बेल आइकन गिवन बिलो. And if you like my today's video and found my videos helpful for you, so guys, please don't forget to give a big thumbs up. So guys, please keep us motivating by just subscribing our channel and liking our videos. So guys, just move on to my today's video. So guys, मेरे पास में ये Just Herbs की जो mini enrich matte liquid lipsticks है, और ये जो liquid lipsticks है इसके अंदर licorice and kika and almond oil है, जो कि काफ़ी हद तक इस lipstick को बिल्कुल herbal product बनाता है, एकदम natural product बनाता है. इसके अंदर जो kika है and licorice है, ये आपकी जो lips है इनको बहुत ज़्यादा hydrated करके रखता है, enrich करता है, long lasting बना के रखता है and नॉन ड्राइंग है. बिल्कुल भी आपकी जो लिप्स इसमें ड्राई नहीं होते हैं. अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाते हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं लिपस्टिक्स वगैरह, एंड बहुत सी बार हमारे जो लिप्स हैं वो ब्लैक होने लग जाते हैं, मतलब उनका जो टेक्स्चर है वो चेंज होने लगता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैगी. अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग डे के लिए यूज़ करना है तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ही यूज़ करना चाहिए जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो. सो ये जो है मैंने बुलवाई है पिंक शेड्स में, एंड इसके अंदर मेरे पास में ये आई है 1, 2, 3, 4 एंड 5 शेड्स, एंड बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है, मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई है. एंड अब मैं आपको वन बाय वन सारे जो शेड्स हैं वो बताऊंगी. सो फर्स्ट वन मेरे पास में ये मलवरी शेड है, एंड इसको भी आपको अप्लाई करके बताऊँगी. बहुत ही ज़्यादा मैटी है ये लिपस्टिक अगर मैं आपको बताऊँ तो. सो हियर इज द शेड, एंड बहुत ज़्यादा मैट लिपस्टिक है और बिल्कुल ईजिली एप्लीकेबल है, एप्लीकेटर है ईजिली, बहुत ही आप इसको अप्लाई कर देंगे. सो ये शेड भी बहुत ज़्यादा सुंदर शेड है, एंड फूची सा पर्ल शेड, एंड इसको भी मैं आपको भी अप्लाई करके बताती हूँ. पियोनी पिंक शेड है, एंड इसको भी मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ. पियोनी पिंक शेड दिस इज, और ये आप देख सकते हैं ना, ये शेड भी बहुत ज़्यादा सुंदर शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है ये. नाउ नेक्स्ट जो शेड है मेरे पास में, एंड दिस शेड इज एप्रिकोट कोरल शेड है, एंड ये भी कुछ नया शेड है. दिस इज ऑल्सो वेरी स्वीट शेड. एंड नेक्स्ट वन जो शेड है मेरे पास में, दिट इज द रेस्पबेरी पिंक शेड. आप देख रहे हैं ये सारे शेड्स, पांचों शेड्स हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर शेड्स से मैं आपको बताती हूँ. ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद आए थे ये सारे शेड्स, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये जो लिपस्टिक है ये ऑर्डर करती हूँगी. और काफ़ी ज़्यादा ये हर्बल लिपस्टिक्स है और बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाती है, तो इसलिए मैंने इसके अभी मिनी पैक्स बुलवाए हैं ताकि मैं इनको भी अप्लाई करके देखती हूँ सारे शेड्स को, और जो भी शेड मुझे ज़्यादा पसंद आएगा उस शेड्स को मैं फिर से ऑर्डर करूँगी. सो दिस इज़ ऑल द शेड्स, एंड इसमें से मैं आपको एक शेड अभी अप्लाई करके बताती हूँगी कि ये लगाने पर कैसा दिखता है. सो इसमें से मैंने अभी ये पिक किया है पियोनी पिंक शेड, और इसको मैं अभी आपको अप्लाई करके बताऊँगी. बहुत ही मैटी लिपस्टिक्स हैं, बहुत ही ईजिली अप्लाई होती है. आपने देखा कि बिल्कुल एक स्ट्रोक में पूरी लिपस्टिक अप्लाई हो गई हैगी. और दूसरी चीज़ इसको थोड़ा सा ना बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड करती है आपकी लिप्स को, थोड़ा सा इसको ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, टेक सम टाइम, एंड जब ये बिल्कुल पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है तो पूरा एक मैट फिनिश देती हैगी.
आप ये देख सकते हैं ना, जो मैंने इसमें भी हाथ में लगाई थी, ये अभी पूरी तरीके से ड्राई हो गई है, और ड्राई होने के बाद ये काफी एक अच्छा एक मैट फिनिश दे रहीगी। सो हियर इज द शीट, और ये इसका प्यारा सा शेड है। बस मैं रेसबेरी पिंक इसको भी अप्लाई करूंगी। मलबरी मैव इस शेड को अप्लाई करूंगी। मेरे पास में ये शेड है फुचीसा पर्ल शीट, एंड इस शीट को भी अभी अप्लाई करूंगी। सो गाइज, ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू जो था जस्ट अप की, जो मेरी मैट लिपस्टिक्स हैं, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक्स हैं, और अगर आप बिल्कुल ट्राई करना चाहें तो डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल एक सिंगल कोट में पूरी तरीके से अप्लाई होती है इनकी, और डेफिनेटली यू जस्ट गो विद दिस लिपस्टिक्स। सो गाइज, आई होप मेरा रिव्यू आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, बी हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।